नमस्कार, मेरा मीमांसु है। आप बिहार 101 देख रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं और सभी लोग उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपना सुझाव दे सकते हैं कि आखिरकार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में और कितना विजन होना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान की चर्चा इसी को लेकर अब बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, 2020 के चुनाव से पहले चिराग पासवान की यह विजन थी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उस वक्त चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी थे। देखिए, उसके बाद से आज लगभग 3.5 साल हो गए और हजारों नहीं बल्कि कई संख्या में लोग इस विजन को पसंद किए, लोग जुड़े। लेकिन अब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि आखिरकार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में और भी कई विजन जोड़ने के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जिसमें तमाम बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि आखिरकार इसमें और क्या क्या चीज़ जुड़ा होना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान शराबबंदी के विफलता को लेकर बात कर रहे थे और कई ऐसे मुद्दे थे, रोजगार को लेकर, स्वच्छता को लेकर और बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह स्थिति खराब थी उसको लेकर उन्होंने लगातार एक नहीं कई बार आवाज़ उठाए। बिजली दरों को लेकर कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली की दर है, यानी कि पूरे देश में सबसे अगर महंगा बिजली कहीं मिलता है तो वो बिहार में है। तो लगातार चिराग पासवान जिस तरह अब बिहारवासियों के लिए और बिहार में लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, चिराग पासवान युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं। और बात की जाए, चिराग पासवान की लोकप्रियता भी लगातार बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। अब सामने 2024 का चुनाव है, आपको पता होगा सामने 2024 के चुनाव है और एक बार फिर से चिराग पासवान की चर्चा होना शुरू हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ चिराग पासवान होंगे। अब देखिए, क्योंकि चिराग पासवान की जो संख्या है वोट बैंक में, कहा जाता है कि चिराग पासवान के साथ 6% से अधिक वोट बैंक है और चिराग पासवान के साथ केवल पासवान जाति के लोग ही नहीं बल्कि कई ऐसे और जाति के लोग हैं। देखिए, चिराग पासवान के मंच पर एक तरफ राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तमाम अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो चिराग पासवान की पकड़ सब जाति में है। कोई एक जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, चिराग पासवान सबों की बात करते हैं। इसीलिए तो चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में खूब बढ़ रही है और चर्चा का केंद्र चिराग पासवान बने हुए हैं। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।